Hello friends, I am Sanjay Gupta. I welcome you on Sanjay Gupta Tech School. So, C language video series, जो कि मैं हिंदी में prepare कर रहा हूँ for beginners. So, उसका ये lecture number 6 है. So, इस lecture में जो topics हम discuss करने वाले हैं, वो आपके सामने listed हैं. So, इस lecture में मैं आपको तीन predefined functions का use बताऊँगा, जो कि है POW, SQRT और STRLEN. So, जब हम इन predefined functions को use करेंगे तो हमें different header files use करनी होगी, तो उनका use देखेंगे. और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हम ASCII values को C programming में कैसे use करते हैं. तो lecture number 5 में अगर आपने वो video देखा हो तो आपको याद होगा कि हमने कुछ programs को detail में discuss किया था. तो ये आपके सामने listed है जो program मैंने lecture number 5 वाले video में create किए थे. So, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आप पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो इसका जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे डाला हुआ है. तो उस लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक ऑर्डर में अरेंज्ड मिलेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो अब सबसे पहले मैं कमेंट लिख रहा हूँ. So, इसमें मैं लिख रहा हूँ यूज ऑफ POW प्रीडिफाइंड फंक्शन. ठीक है, तो मैंने जब लेक्चर नंबर 1 एक्सप्लेन किया था तो लेक्चर नंबर 1 वाले वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि सी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. तो फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब हमें दो तरह के फंक्शन यूज करने की परमिशन होती है, एक प्रीडिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड. तो प्रीडिफाइंड वो होते हैं जिसके लिए हमें कोई कोड नहीं लिखना, हमें उसको डायरेक्टली यूज करना है. जबकि यूजर डिफाइंड में हमें कोड भी लिखना होता है कि वो फंक्शन क्या काम करेगा और फिर हम उसको यूज करते हैं. ठीक है, तो POW इज प्रीडिफाइंड. अब इसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि है math.h, और एक हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना पड़ेगा stdio.h जो कि हम हर प्रोग्राम में कर रहे हैं. तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हेडर फाइल बेसिकली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमें प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना है तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है. तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ के लिए हम stdio.h यूज करते हैं, और अभी हम POW यूज करने वाले हैं इसके लिए हम यूज करेंगे math.h. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि POW बेसिकली करेगा क्या. तो POW क्या करेगा कि ये पावर कैलकुलेट करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास दो नंबर है 2 और 4, और हमें सॉल्व करना है 2 की पावर 4. ठीक है, तो 2 की पावर 4 को सॉल्व करने का जो पूरा प्रोसेस है वो POW में पहले से डिफाइंड होता है. तो अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं. तो पहले मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, बेस एंड पावर, जो कि हम यूजर से रीड करेंगे, और एक वेरिएबल होगा आर जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे. ठीक है, फिर लिखा प्रिंट एफ, इंटर बेस एंड पावर वैल्यू. प्रिंटएफ बहुत इजी है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रिंटएफ स्कैनएफ का यूज बताया था, और इवन हर प्रोग्राम में आप प्रिंटएफ और स्कैनएफ को यूज करते हुए आ रहे हैं, तो अब ये आपके लिए बहुत ही इजी हो चुका है. दो नंबर रीड करना है इंटीजर टाइप के, इसलिए %d हमने 2 बार लिखा. पहला नंबर बी वेरिएबल में जाएगा और दूसरा नंबर पी वेरिएबल. तो इस तरीके से अपने पास बेस और पावर वैल्यू अवेलेबल हो गई. अब हमें पावर कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है. तो आप लिखेंगे R equals to POW. अब POW में हमें दो वैल्यू पास करनी होती है, पहली बेस और दूसरी पावर. तो अब देखो, हमने सिंपली POW को यूज किया है, हमने पावर कैसे कैलकुलेट करनी है वो कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया. तो आप अब फील कर रहे होंगे कि ये प्रीडिफाइंड है, मतलब इसका जो प्रोसेस है, इसका जो काम है वो हमें नहीं लिखना, वो पहले से डिसाइडेड है, हमें इसको डायरेक्टली यूज करना है. और आप चाहें तो यहाँ एक कमेंट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट पावर वैल्यू. तो कमेंट जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां फ्रीली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें रिजल्ट शो करना है, तो मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू %d एंड कॉमा के बाद r. तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जब हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपसे दो इनपुट लेगा, बेस एंड पावर, और उसका जो रिजल्ट है वो शो करेगा. तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और कंपाइल करके रन करूंगा, तो कोई एरर नहीं है तो ये रन हुआ. अब मैं बेस डाल रहा हूँ 2 और पावर में एंटर कर रहा हूँ 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो रिजल्ट आपके सामने है 8. 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, और ये वही शो करता है.
तो इस तरीके से हमने POW प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको पार कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली POW को यूज करें और ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड फंक्शन है SQRT। तो इस पर जाने से पहले मैं अपनी डिटेल और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या कोई भी डाउट्स क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वो मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे SQRT फंक्शन की। तो SQRT फंक्शन जो है वो भी प्रीडिफाइंड है और वो भी math.h हेडर फाइल में ही डिफाइंड है। अब SQRT बेसिकली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। ठीक, तो स्क्वायर रूट सब जानते ही हैं कि मैथ्स में भी हम कैलकुलेट करते थे, और हम चाहते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं लिखें, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे दो ही वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, एन और आर, और लेट से अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ फ्लोट। फिर मैंने लिखा एंटर अ नंबर, वो नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फ्लोट है इसलिए परसेंट एफ, और हमें एक ही नंबर रीड करना है इसलिए परसेंट एफ कितनी बार लिखा मैंने, एक बार। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब हम यहाँ यूज करेंगे SQRT। मैंने यहाँ पास कर दिया n, रिजल्ट r में ही स्टोर होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट एफ और r। तो देखो कितनी जल्दी अपना प्रोग्राम मॉडिफाई हो गया, जो कि अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, हमें सिंपली फंक्शंस को कॉल करना होता है। तो अब इसको फिर से सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पॉइंट के बाद 6 जीरोज आ रही हैं, तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि पॉइंट के बाद आप चाहें कि आपके अकॉर्डिंग डिजिट्स प्रिंट होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं परसेंट पॉइंट टू एफ। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है उनको ये चीज पता होगी, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी इसको सीख सकते हैं। तो आप अगर परसेंट पॉइंट टू एफ लिखेंगे तो पॉइंट के बाद दो ही डिजिट्स प्रिंट होंगे। तो अगर इसको फिर से रन करें तो आप देख सकते हो 5.00 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप फ्लोट को, फ्लोट का जो आउटपुट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड प्रीडिफाइंड फंक्शन था। अब बात करते हैं strlen। तो strlen को यूज करने के लिए हमको एक नई हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, और उसका नाम है string.h। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको चार तरह के कॉन्स्टेंट बताए थे, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो अभी हम वो स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं। तो जब भी आपको स्ट्रिंग यूज करना है तो आपको एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करना होता है इस तरीके से। ठीक है, और सपोज इसका साइज है 10, बट मैं इसमें अपना नेम स्टोर करवा रहा हूं। ठीक है, अभी हम इनको कमेंट कर देते हैं, यूजर से हम कोई इनपुट नहीं करवा रहे हैं। तो मैंने इनको कमेंट कर दिया, इन लाइंस को बाद में मॉडिफाई करेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जो कि लेंथ आइडेंटिफाई करेगा। तो मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाया एलियन, strlen प्रीडिफाइंड फंक्शन है और उसमें पास कर दिया स्ट्रिंग। तो str बेसिकली करता क्या है, इट कैलकुलेट्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो str इज प्रीडिफाइंड फंक्शन जो कि string.h हेडर फाइल में होता है। हमने उसके अंदर पास किया str, तो str कैरेक्टर एरे में जितने कैरेक्टर्स होंगे, अब देखो इसका साइज तो है 10, बट एक्चुअली इसमें कितने कैरेक्टर है, 6। तो alien की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तब उसको प्रिंट कराकर देखते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, फिर से कंपाइल और रन करते हैं। अब देखो कुछ भी इनपुट रिसीव नहीं किया क्योंकि हमने printf scanf का कॉम्बिनेशन नहीं लिखा, बट रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो हो गया 6, क्योंकि हमने खुद से एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा ली। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को यूज ना करें, हम यूजर से इनपुट करवाएं, तो आपको printf scanf यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ नंबर की जगह क्या लिख देते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए परसेंट एस यूज करते हैं, और यहाँ पर सिंपली str, और एड्रेस ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिंग में कभी भी एंड वाला सिंबल नहीं लगाना,
क्योंकि परसेंट एस यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना टास्क परफॉर्म कर देते हैं। तो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसको फिर से रन करते हैं तो इस बार हमें इनपुट भी करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने इनपुट किया इंडिया, देखो रिजल्ट आ गया 5, क्योंकि इंडिया में 5 कैरेक्टर है तो इसने प्रिंट कर दिया 5। तो इस तरीके से हम जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको यूज कर सकते हैं। तो ये 3 प्री डिफाइंड फंक्शन मोस्ट कॉमनली यूज है, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन किया। और इससे आपको आइडिया भी लगा कि जो सी कंपाइलर है वो कैसे प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने की परमिशन देता है, जिसमें हमें कोई भी कोड नहीं लिखना, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी होती है जो कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों फंक्शंस का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया कि हाउ टू यूज प्री डिफाइंड फंक्शन। तब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि हम अलग अलग हेडर फाइल को कैसे यूज करते हैं, कैसे हमें प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर फोकस करते हैं जो है ASCII वैल्यू। तो पहले मैं आपको ASCII के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन जो दो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं ये हेडर फाइल रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अब ये काम नहीं आएगी। और कमेंट के अंदर मैं ASCII का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ पहले। तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो अब आप सोच रहे हो कि बेसिकली ASCII कोड होता क्या है, क्यों हम इसको यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे कि अपन एक इफ कंडीशन लगाते हैं और मैं लिखता हूँ स्मॉल ए डबल इक्वल्स टू कैपिटल ए। तो इफ बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो जब भी हमें दो एंटिटीज को कंपेयर करना होता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तब हम इफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें स्मॉल ए और कैपिटल ए को कंपेयर करना है। तो थोड़ा सा सोच कर देखिए, क्या स्मॉल ए और कैपिटल ए को आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है। तो क्या हम इनके डिजाइन के अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करें? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करें कि दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया था तो आपको बताया था मैंने कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट में 3 चीजें थी, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, ये 3 चीजें थी। तो अब अल्फाबेट्स को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल्स को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, डिजिट्स को चाहे तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर्स फॉर्म में होती है, बट यहाँ पर भी डिजिट्स को हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, जैसे सिंगल कोट्स में 9 और सिंगल कोट्स में 3। तो अब ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बन गए। तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कोट्स में होता है, तो अब ये 9 और 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ये एक सिंबल है। ठीक है, और इसको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो सी कंपाइलर क्या करता है कि हर ASCII हर कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ASCII वैल्यू पहले से डिफाइन करके आपको देता है जो कि नंबर फॉर्म में होती है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, डिजिट्स हो, स्पेशल सिंबल्स हो, हर कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू पहले से डिफाइंड होती है, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज ASCII वैल्यू। तो अल्फाबेट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, तो अब अपर केस में होता है कैपिटल ए टू जेड। तो इनके जो ASCII कोड होते हैं वो होते हैं 65 to 90। तो कैपिटल ए का ASCII कोड होगा 65, कैपिटल बी का ASCII कोड होगा 66 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने लिखा ये, तो अब ये बेसिकली कंपेयर किस तरीके से होंगे कि कैपिटल ए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 65 में और कैपिटल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 66 में। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, जब भी आप कैरेक्टर कॉन्स्टेंट यूज करेंगे तो वो इंटरनली अपनी ASCII वैल्यू में अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाता है। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ASCII वैल्यूज की रेंज क्या है। तो स्मॉल ए टू जेड की अगर हम बात करें तो वो है 97 से 122। फिर हम देखते हैं डिजिट्स, तो डिजिट्स हैं 0 to 9,
आप ध्यान रखिएगा डिजिट में कंफ्यूजन होता है, तो डिजिट अगर सिंगल कोट्स में इंक्लूज्ड है तो वो कैरेक्टर बन जाएगा, और अगर विदाउट सिंगल कोट है तो वो नंबर। ठीक, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैंने 9 को सिंगल कोट्स में लिखा तो वो एक कैरेक्टर है, बट 9 इंडिविजुअली लिखा विदाउट एनी सिंगल कोट तो वो क्या है, डिजिट। ठीक है, तो डिजिट के लिए कोई ASCII कोड नहीं है अगर आप सिंगल कोट नहीं लगाते, बट अगर डिजिट के साथ सिंगल कोड लगाते हैं तो फिर ASCII कोड एप्लीकेबल, एंड इट इज फ्रॉम 48 to 57। एंड जो भी रिमेनिंग है वो स्पेशल सिंबल्स के लिए। ठीक है, तो हमें अपर केस का रेंज पता है, लोअर केस का रेंज पता है, डिजिट्स का रेंज पता है, स्पेशल सिंबल्स रिमेनिंग है बहुत सारे होते हैं तो उनका कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है, वो अलग अलग वैल्यू उनकी होती है। तो अब आप सोच रहे हो कि अगर हमें उनकी भी ASCII वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, या हमें किसी पर्टिकुलर अपर केस लोअर केस डिजिट की ASCII वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, हमें रेंज बिल्कुल भी याद नहीं है, तो क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि एक कैरेक्टर का ASCII कोड बता दें? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, तो अब ASCII की रेंज क्लियर करने के बाद अब देखो जो अपना पहला प्रोग्राम है वो यही है, प्रिंट ASCII वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। तो अब देखो नीचे वाली चीज तो अपन कर देते हैं कमेंट, तो ये प्रूफ के लिए हो जाएगी। ठीक है, प्रूफ बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को प्रूफ देना जरूरी है कि भाई सही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार चेक करो कि जो सामने वाला है वो सही भी पढ़ा रहा है या नहीं, तो इसके लिए प्रूफ मैंने यही छोड़ दिया है। तो जब हम कैपिटल ई को प्रिंट कर रहे होंगे तो ये 65 ही प्रिंट करेगा, तो उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी। तो लेट्स से मैंने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया CH और मैंने उसमें असाइन कर दिया कैपिटल ई। तो अब इस वीडियो के अंदर आपको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कैसे यूज करते हैं वो चीज भी समझ में आ जाएगी। तो अब देखो ये CH है वेरिएबल, ठीक है, कैर है डेटा टाइप, और जो सिंगल कोट्स में A हमने लिखा हुआ है वो क्या है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो अब हमको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का ASCII वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहां लिखा ASCII वैल्यू ऑफ परसेंट सी इज परसेंट डी और CH, CH। अब इसको ध्यान से देखते हैं, तो ये जो ASCII वैल्यू ऑफ लिखा है ये एज इट इज प्रिंट होगा, जो इज लिखा हुआ है वो भी एज इट इज प्रिंट होगा, बट जो परसेंट सी और परसेंट डी है वो कभी भी प्रिंट नहीं होते हैं, आपको पहले से मालूम है, ये रिप्लेस होता है वेरिएबल से। तो अब देखो आप कहोगे कि CH वेरिएबल मैंने दो बार लिखा हुआ है, तो पहली बार ये परसेंट सी से रिप्लेस होगा और दूसरी बार ये परसेंट डी को रिप्लेस कर देगा, तो एक बार तो ये कैरेक्टर फॉर्मेशन प्रिंट करेगा और एक बार इसका ASCII वैल्यू। तो इट मींस किसी भी कैरेक्टर को अगर परसेंट डी से प्रिंट कर देते हैं तो उसका ASCII कोड प्रिंट हो जाता है। तो अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तब देखो ASCII वैल्यू ऑफ ए इज 65, ये अपने आप प्रिंट हुआ है, मैंने सिर्फ ए असाइन किया था और उसको परसेंट डी से प्रिंट कर दिया, तो यह 65 अपने आप प्रिंट हो गया। तो अब आपको प्रूफ मिल गया कि कैपिटल ए का ASCII कोड 65 होता है। अब अगर इसको कैपिटल बी में कन्वर्ट करें और फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दें तो अब आ गया 66। तो अब आपको प्रूफ मिल गया और श्योरिटी हो गई होगी कि हाँ भाई जो चीज़ बताई गई थी नीचे, जो टेबल ये बताई गई थी, ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एक बार के लिए डिजिट को और लिख कर बता दो, तो ये रहा डिजिट जो कि है 0 है और सिंगल कोट्स में लिखा है, ध्यान रखना। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ASCII वैल्यू ऑफ 0 इज 48, तो 48, 49, इस तरीके से 9 तक ये जो वैल्यूज हैं ये प्री डिफाइंड है, ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि कोई स्पेशल सिंबल, तो अपन लेते हैं हैश। तो देखो हैश का ASCII कोड आपके सामने आएगा, इट इज 35। ठीक है, इवन स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, जैसे मैंने यहाँ एक स्पेस बार प्रेस कर दिया तो डबल कोट्स के अंदर है स्पेस, तो स्पेस का भी ASCII वैल्यू होता है और वो है 32, ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस इज 32। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII कोड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाली चीज जो चीज़ है ये बिल्कुल नई है, तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, और मतलब ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है रेंज की, ASCII वैल्यूज का रेंज क्या है, अगर हमें किसी कैरेक्टर का ASCII कोड निकालना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई होप कि आपके वाइवा या एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। अब एक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। तो अब सपोज हमारे पास अगर अपर केस कैरेक्टर है तो हमें उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है,
और लोअर केस मिलेगा तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले अपर केस की बात करते हैं, प्रिंट एफ को तो उड़ा देते हैं। तो अब सी एच में है, कैपिटल है, ठीक है। अब देखो एक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं। तो अब आप खुद से सॉल्व करो कि 65 और 97 के बीच का डिफरेंस कितना होगा। 65 और 97, 66 और 98, 67, 99। इट मींस इन का जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा 32। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर बार जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए का डिफरेंस 32, कैपिटल बी स्मॉल बी का डिफरेंस 32, मतलब अपर केस और लोअर केस की जो ASCII वैल्यूज है उन सभी का डिफरेंस है 32, ठीक। तो अब लोअर केस से अपर केस में जाने के लिए प्लस कर दें 32, और लोअर केस से अपर केस में आने के लिए माइनस कर देते हैं 32, ठीक है। तो इसको हटाया, अब मैं लिख रहा हूँ सी एच इक्वल्स टू सी एच प्लस 32, ठीक है। और लिखा प्रिंट एफ न्यू वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट सी कॉमा सी एच, ठीक है। तो देखो सी एच में कैपिटल ए था, बट अब प्रिंट करेंगे तो ये स्मॉल ए प्रिंट करेगा अपने आप। ये देखो न्यू वैल्यू इक्वल्स टू स्मॉल, ठीक है। तो हमने 32 ऐड किया। अब अगर यहाँ कैपिटल बी कर देते हैं, सिर्फ कैपिटल बी मैंने सी एच में असाइन किया, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्मॉल बी प्रिंट करके देगा। और अगर यहाँ स्मॉल ए होता तो यहाँ पे माइनस 32 करेंगे, तो माइनस से क्या होगा कि जो लोअर केस है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देख सकते। तो इस तरीके से आपके पास में ASCII वैल्यूज होती है, जो कि कैरेक्टर्स पर कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड में हेल्प करती है। तो आपको रेंज नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या है। और मैंने रियल टाइम एग्जांपल भी बता दिया कि अगर हम लोअर केस टू अपर केस या अपर केस टू लोअर केस कैलकुलेशन करें तो ASCII वैल्यू किस तरीके से हेल्पफुल होगी। तो आई होप कि अब आपको ये जो भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए वो समझ में आए होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने प्रोग्राम्स बनाए थे, इसमें भी मैंने आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके बताया। और अगला जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर, जिसमें मैं आपको इफ एल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो इफ एल्स की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बट इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अगला वीडियो जरूर से देखिएगा और उसमें आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ समझाई जाएगी। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो सीरीज जो कि मैंने हिंदी में प्रिपेयर की है बिगिनर्स के लिए, उसका लिंक आइडेंटिफाई या ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। तो वहाँ पर पहले नंबर पर आपको जो प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा उसमें सारे वीडियोज एक के बाद एक अरेंज है, तो आप उनको उस लिंक को ओपन करके सारे वीडियोज को व्यू कर सकते हो। सो आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा एंड पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड आप अगर आप कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लाइक आप कोई अच्छी बातें या कोई पॉजिटिव फीडबैक या कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।